श्री नारद जी का चरित्र वर्णन है, उसमें उसी के विषय में हम कुछ श्रवण करेंगे। जी भगवान के कला अवतार हैं और पराशर मुनि और सत्यवति के गर्भ से उनका जन्म हुआ है। एक समय सरस्वती नदी के किनारे स्नान करके और एकांत में बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि मैंने इतने सारे पुराण इतिहास लिखे, वेदों का विभाग किया, पहले एक ही वेद था ऋग्वेद। उन्होंने देखा कि संसार के जो जीव हैं इनकी बुद्धि कैसी है, जब धर्म की जैसे जैसे युग बदलता है काल के प्रभाव से धर्म की हानि होने लगती है और जो बौद्धिक वस्तु हैं उनमें ह्रास होने लगता है, मतलब उनमें कमी आने लगती है। धर्म की हानि होती है तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनम् सिद्धयामि, कि जब जब धर्म की हानि होती है तब मैं अवतार लेता हूँ, धर्म का स्थापना करता हूँ। भौतिक वस्तुओं का ह्रास होता रहता है, उनमें शक्ति कम हो जाती है। आपने देखा हुआ जितने भी संसार में जड़ वस्तुएं हैं सबकी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। जैसे हमारा शरीर है, ये भी जो भौतिक ही है, जड़ ही है, इसकी भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। जितनी गर्भ में जो फिक्स कर दिया है ना भगवान ने, उतने समय तक वो जीवित रहेगा। और जैसे माइक है, इसकी भी एक लिमिट है, ये भी एक लिमिट तक ही चलेगा। जब उसकी एक लिमिट खत्म हो जाएगी तो ये भी खत्म, इसका भी कोई काम नहीं होगा फिर। ऐसी भौतिक वस्तुओं में क्या होता है, उनकी शक्ति की कमी होती रहती है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा लगभग 5-10 साल का, वो जितनी तेज दौड़ सकता है, 20-25 साल का लड़का इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, और जो 20-25 साल का है और जो 50-60 साल का है वो इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। ये सब क्या है तो सब भौतिक शरीर ही है ना, उससे क्या होता है उनकी शरीर में शक्ति की कमी होती रहती है। इसलिए और क्या बताया, प्रत्येक युग में क्या होता है, जीव की बुद्धि हर युग में जो है काम करना कम कर देती है। जैसे अभी कलयुग में देखो भागवत में बताया, मंदा सोन मतियो मंद भाग्य हो गिरता पाखंड इंडितो संतो वृत्तो सब परिक्रिया। अभी कलयुग के कैसे जीव हैं, आलसी, मंदा मतलब आलसी, सुमंद मतियो जिनकी मति बहुत मंद है, मंद भाग्य इनका भाग्य बहुत मंद है, उपद्रता उपद्रवकारी हैं, उपद्रव करते हैं। तो आलसी कलयुग में कैसे लोग हैं, आलसी। अब आप कहोगे ये आलसी कहाँ है, हम तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 12-12 बजे तक काम करते हैं, तो आलसी कैसे हो गए, है ना। अपने गांव में देखा होगा जिनके घर में पशु होते हैं वो सुबह को 4 बजे उठते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर के उनको कम से कम रात को 10-11 बज जाते हैं, वो इस सब पूरे उसमें लगे रहते हैं घर के गाँव में, तो उनको आलसी कहेंगे बताओ, आलसी है वो, आलसी नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, आलसी कैसे हुए, उसके लिए भगवान स्वयं कहते हैं कि राम भजन के आलसी और भोजन में होशियार। भगवान के भजन में तो आलसी हैं और भोजन में होशियार चतुर हैं। भोजन करने के लिए हर प्रकार से जैसे भी हो सकता है हर प्रयास करेंगे, और सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, और पशुओं को चारा खिला रहे हैं किस लिए, उनसे दूध निकालेंगे, दूध पियेंगे, या फिर उनको अपने घर का खर्चा वर्चा चलाने के लिए उसको बेच देते हैं बहुत से लोग, वो सब क्या है, सब भोजन के लिए कर रहे हैं। ये सब क्या है, भोजन के लिए होशियार है लेकिन भजन के लिए आलसी, इसलिए बताया आलसी। और इस पूज्यपाद माधव महाराज जी कथा सुनाते हैं आलसी की, दो आलसी थे, दोनों सो रहे थे और अचानक से मैं विषय पर बोल रहे हैं तो क्या होगा, मैंने भी छोटे
जाएगा और फिर चला गया, जो बोल रहा था उसे सुन लिया। विषय कथा तो सर हमने सुना सकता है, जब बोल रहा हूँ मैंने कहा चलो 10 मिनट में अपना मेन विषय बोल रहा हूँ। क्या होता है विषय वस्तु को छोड़ कर ऐसे नहीं उसका उदाहरण देनी चाहिए, ऐसे नहीं मूल चल चली गई और कहीं चला गया, ये नहीं होना चाहिए। महर्षि व्यास जी ने ये सब बताया कि ऐसे व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, मंद बुद्धि हो जाते हैं, वाक्यहीन हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, शास्त्रों को विभक्त कर दिया, क्योंकि पहले एक ही वेद था ऋग्वेद, उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने इतिहास पुराण वेद उपनिषद इत्यादि का वर्णन सबको लिखित रूप में लिख दिया। और पहले क्या होता था, स्त्री शूद्र और द्विजातीय व्यक्ति होते हैं उनका वेदों में अधिकार नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, महाभारत की रचना की। महाभारत को स्त्री शूद्र और अन्य जाति व्यक्ति होते हैं वो भी, उनका भी उसमें अधिकार है, उसके अनुसार वो भी उसमें कर्म कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये सब हमारे कल्याण के लिए इतना कुछ किया। एक दिन वो विचार कर रहे थे कि मैं सब चीज में निपुण हूँ, मुझे सब ज्ञान है, भगवान की अनुभूति है, परंतु मेरे मन को असंतोष क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने भगवान का कहीं स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है, भगवान की लीलाओं का कहीं स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया है। खुद ही विचार कर रहे हैं, बोले जो भगवान के भक्त हैं वो क्या करते हैं, हर समय भगवान की लीलाओं का गायन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उन्हीं के कीर्तन करते हैं, और भगवान को ऐसे भक्त ही प्रिय हैं, शायद यही मेरे असंतोष का कारण है। ऐसे असंतोष करके वो बैठे हुए थे, उनका मन खिन्न था। उसी समय नारद जी वहाँ पधारे, तो नारद जी उनसे कह रहे हैं कि आपने जीवों के कल्याण के लिए इतना सब कुछ किया है और आप ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही उदास हैं, इसका कारण क्या है। व्यास जी कहते हैं कि पता नहीं, मैं नहीं जानता, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आप यहाँ वहाँ सब जगह विचरण करते रहते हैं, आप सब जानते हैं, आप भगवान के विषय में भी जानते हैं और दूसरों के विषय में भी जानते हैं, आप मेरे विषय में भी जानते हैं, आप ही कृपा करके मुझे इसका निवारण बताइए। नारद जी ने बताया, आपने बहुत सारे इतिहास लिखे, पुराण लिखे, परंतु भगवान की लीलाओं का आपने उसमें वर्णन किया है, स्पष्ट रूप से कहीं भी आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया कि भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की हैं, क्योंकि उन्हीं लीलाओं का कीर्तन करने से, उन्हीं लीलाओं का स्मरण करने से, उन्हीं लीलाओं का कीर्तन करने से क्या होगा, जीव का परम कल्याण होगा। अन्यथा आपने ये जो इतिहास पुराण लिखे हैं उसमें क्या बताया, यज्ञ यज्ञ करना बताया, यज्ञ करके क्या बलि दे, यज्ञ में क्या देते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं, गोमेध यज्ञ करते हैं, उसमें बलि दी जाती है, लोग क्या करेंगे, इसी का आश्रय लेकर के पाप करेंगे। कैसे, जैसे आपने सुना होगा कि काली देवी को बकरी की बलि चढ़ाई जाती है, परंतु वो उनको चढ़ाया जाता है उनके लिए, लोग क्या करते हैं, वो चढ़ा करके उसे खाते हैं, ये क्या है, पाप है। गोमेध यज्ञ करते हैं उसमें भी यही है, यज्ञ किया उसको खुद खा जाते हैं, तो क्या है, ये भी पाप है। तो इस तरीके से क्या होगा, लोग पाप में डूब जाएंगे, अर्थ कमाने की जगह अनर्थ कर लेंगे। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका वर्णन किया, परंतु वो इसके विपरीत करने लगेंगे सब। अगर आप स्पष्ट रूप से भगवान की लीलाओं का वर्णन करोगे, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करके, उनको श्रवण करके क्या होगा, उनकी भक्ति होगी। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तब नारद जी अपने पूर्व चरित्र के बारे में उनको बता रहे हैं कि मैंने कैसे कैसे भक्ति में आया, बता रहे कि इस समय वर्षा ऋतु का समय होता है, शरद ऋतु का समय होता है, चतुर्मास्य व्रत होता है, उसमें कुछ ऋषि मुनि चतुर्मास्य व्रत करने के लिए आए हुए थे, और मैं और मेरी माँ, हम दोनों, मेरी माँ दासी देवी थी, उनकी सेवा करती थी, और मैं भी छोटा सा था,
उनकी सेवा में मुझे भी नियुक्त कर दिया। मैं बड़ा ही संतोषी था, बड़ा ही जितेंद्रिय था। मैं तो आज जैसे आजकल के बच्चे होते हैं उनके तरह नहीं था। आजकल के बच्चे बड़े उत्पाती होते हैं, शांत नहीं होते, जितेंद्रिय भी नहीं होते। तो नारद जी कह रहे कि मैं जितेंद्रिय था, बड़ा संतोषी था। और मैं क्या करता था, वो जो प्रसाद पाते थे उसी के प्रसाद उस प्रसाद को उनकी पतले पतले उठा करके कभी कभी उसको पा लेता था। और संत लोग क्या करते हैं, बैठ करके भगवान की कथा कीर्तन का गान करते हैं। और वही मैं श्रवण करता था। उसको श्रवण करते करते मेरा चित्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। और उसके बाद वो चले गए, अपना व्रत पूरा करके वो चले गए। अब नारद जी, फिर व्यास जी ने पूछा उनसे, जब वो चले गए तो फिर आपने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि जब वो चले गए, मैंने एक समय की बात है, मेरी माँ गाय दोहन करने के लिए संध्या के समय गई तो उसके पैर में सर्प ने काट लिया और वो मर गई। और उसका मैं इकलौता पुत्र था, उसकी भी मैं बड़ी प्रीति थी। परंतु भगवान क्या करते हैं, हमारी जिसमें आसक्ति होती है ना, उसको दूर कर देते हैं। क्योंकि जब तक हमारी संसार में आसक्ति रहेगी और दूसरे विषयों में आसक्ति रहेगी, तब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। क्योंकि भगवान के लिए क्या चाहिए, एक मन चाहिए, जिस मन में केवल भगवान ही विराजमान होंगे। अगर आप किसी और को विराजमान कर लो तो भगवान आपके मन में नहीं आएंगे, आपको स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे गुरु जी बता रहे थे ना, अगर कोरा कागज हो उस पर लिखो तो नहीं मिटता है, अगर उसको फिर उसमें दोबारा लिखो तो पता ही नहीं चलता इसमें क्या लिखा क्या नहीं लिखा। ऐसे ही हमारे हृदय साफ होना चाहिए, तभी भगवान हमारे हृदय में विराजमान होंगे। इस प्रकार उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बताया भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, अनुग्रह किया उन्होंने मेरे ऊपर, क्योंकि मेरी माँ के प्रति वात्सल्य भाव था और माता का मेरे प्रति वात्सल्य भाव था, उसी भाव में मैं बंधा हुआ था। उसके कारण मैं कुछ नहीं कर पाता था। भगवान ने मुझ पर ऐसी कृपा की और मैं वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से निकलने के बाद मैं नगरों से भ्रमण करता हुआ, जंगलों से भ्रमण करता हुआ एक वन में पहुंचा। मैं बहुत थक गया था और थकने के बाद मुझे प्यास लगने लगी, तो नदी के किनारे मैंने स्नान किया, जल पिया और आचमन करके वहीं बैठ गया और उन साधु से जो श्रवण किया था वही चिंतन करने लगा। और अचानक से मेरे हृदय में भगवान के प्रति एक भाव उमड़ आया। उस भाव के कारण मेरे नेत्रों से अश्रु छलक आए और भगवान इतने में ही प्रसन्न होकर के मुझे मेरे हृदय में वो प्रकट हो गए। और जैसे ही मैंने उनका दर्शन किया, मेरी प्रबल उत्कंठा जाग गई, मेरे शरीर में विकार उत्पन्न होने लगे। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो देखा कुछ भी नहीं है, सब खाली। फिर मैं जो है रोने लगा, इधर उधर देखने लगा सब। फिर ऐसे ही भगवान ने क्या किया, आकाशवाणी हुई कि नारद, तुम्हारे हृदय में जो क्लेश हैं वो सब जब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें भी और भजन साधन करना पड़ेगा। नारद जी ने और भजन साधन किया। भजन साधन करके फिर क्या हुआ, भगवान के धाम चले गए नारद जी। वहाँ उनको भगवान ने क्या किया, वीणा दी, जिससे वो सारे सब जगह भ्रमण करते रहते हैं नारायण नारायण करके। इस प्रकार उन्होंने अपने पूर्व चरित्र के बारे में बताया। वैसे ये इससे स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी विस्तार रूप में है, मुझसे ज़्यादा वर्णन नहीं हुआ। अगर ऐसा कभी अवसर मिलेगा तो उसको और आगे विस्तार रूप में वर्णन करेंगे। वांछा कर तो गौरचंद्राय राधिकारविष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि श्री गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे शिक्षा गुरु पाद पद्म विष्णु पाद अष्टोत्तर सहस्री श्रीवंत भक्ति वेदांत शिल वदन महाराज जी उपस्थित समस्त भक्त वृंद वैष्णव वैष्णवी सतीर्थ गुरु माता वृंद सबके चरण वंदन तथा दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज की विशेष तिथि है, आज प्रभुपाद पार्षद शिल भक्ति कोमल शिल संत गोस्वामी महाराज के शुभ तिरुभाव तिथि महामहोत्सव। शिल प्रभुपाद की भाषा में जब कोई वैष्णव की तिथि आता है तो इसको क्या बोलते हैं, बोले कि सुमेधा तिथि। सुमेधा मेधा मतलब एक अर्थ में हम जानते हैं, मेधा मतलब होता है बुद्धि, और सुमेधा जिसका अच्छा बुद्धि है अर्थात जो ज्यादा टैलेंटेड है ब्रिलियंट है उसको कहा गया सुमेधा। तो वास्तव में वैष्णव ठाकुर की जो आविर्भाव तिरुभाव तिथि वही पालन करते जो सुमेधा होते जो बुद्धिमान होते। बोले भाई बुद्धिमान इसको क्यों पालन करते, क्या फायदा उसमें? आप लोग जानते हो एक प्रकार की तैलपाई प्राणी है, एक कीड़ा है, कीट होता है, वो क्या करते हैं भौंरा उसको ले आके उसको एक मिट्टी का उसके नाम गपरेला। अच्छा मुझे भी हो उसको क्या करता है ना, उसको डराते हुए उसके सामने पूरा घूमता रहता है, और अंतिम में गीता में भी भगवान प्रमाण देते कि अंत में जिसका चिंतन करते करते इसी वस्तु का चिंतन करते करते मृत्युवरण करेगा आदमी वही वस्तु वही प्राप्त करेगा। तो ये भावना की चिंतन करते करते कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो ही क्या हो जाता है ना, भावना में परिणत हो जाता है। कि देखो इधर ये जो भावना है क्यों है, उनको मारने के लिए प्रचेष्टा करें, मार भी दिया, तो इसका चिंतन करते करते अगर एक साधारण जीव कीड़ा वो भावना में परिणत हो जाता है तो हम भी क्या है इसी मायामय अनित्य संसार में हम भी बद्ध हुए। हमको काल रूप ये जो भौंरा है हमको हर क्षण भय प्रदान करा रहे, और विषय वासना रूप ये जो बंधन हमको डाल रखा है इसमें हम हर समय क्या दुख कष्ट प्राप्त हो रहे। तो इसी से अगर बचने के लिए चाह रहे हो कुछ उपाय भी होना चाहे, बोले क्या वो उपाय, बोले यही उपाय है अगर हर समय अनुक्षण वही साधु गुरु वैष्णव की चिंतन करोगे तो क्या होगा, ये काल रूप जो भावना है इससे दूरभूत हो सकता है। तो ये चिंतन के प्रभाव से ही क्या होगा, तुम इसे हम लोग ये जो बंधन में भी पड़े हैं इसे क्या हो सकते, मुक्ति हो सकते। बोले कैसे, इसलिए बतलाए कि आर किछु ना करिया वैष्णव मेरा नाम लिया पुकारिया डाको करे। ये जी भी कौन सा साधन भजन कर सकता है भाई, मंदा सुमंद मत अभी प्रभु जी बोल रहे थे, तो हमारे द्वारा कुछ भजन साधन नहीं हो सकता है। भगवान गीता में केड़ा कितना बड़े बड़े बात बोले कि मनमना भाव मद भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु, कि मेरा क्या करो मनमना भाव मेरा हर समय चिंतन करो, और जीव के अंदर चिंतन नहीं हो सकता है विषय वासना में डूबे होने के कारण, उसका कभी बहिर्मुख जीव होने के कारण कभी कृष्ण की चिंता नहीं हो सकता है। बोले प्रभु ये नहीं कर सकता हूँ, भगवान थोड़ा छुटकारा दिला दे, ठीक है मद भक्त मेरा भक्त बन जाओ, बोले प्रभु भक्त भी नहीं बन सकता हूँ, ठीक है मत मना भाव मत मत जा दी मेरा जजन करो मेरा पूजन करो, बोले इसमें भी नहीं, फिर मांग नमस्कार मुझे तो प्रणाम कर लो कभी कभी, बोले प्रभु जी आप तो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त मैं कितना प्रणाम करूँ कहाँ प्रणाम करूँ ये भी मुझे पता नहीं। तो उसे सबसे सहज सरल उपाय बताए जीव के लिए क्या करो ना, आर किछु ना करिया और सारी सारी भजन साधन को त्याग करो, क्या करो ना वैष्णव नाम लिया पुकारिया डाको सुरे, आकुल व्याकुल होके और वैष्णव ठाकुर की नाम ले लेके उच्चारण करोगे उनको बुलाओगे तो क्या होगा ना अवश्य ही ये जो भाव सिंधु है अपना भीतर हो जाएगा। तो आज की तिथि क्या है ना सुमेधा तिथि। आज प्रभुपाद की प्रिय अंतरंग पार्षद भक्ति कुंभ शिल संतोष महर्षि तिरुभाव तिथि,
बाहरी जीवन चरित्र बड़ा ही अलौकिक ही बड़ा ही अलौकिक एक दो शिक्षा बात श्रवण करेंगे। तो महाराज ये नारमा की नारमा गांव में जन्म ग्रहण किए थे। बाल्यकाल की नाम था उनका राधा रमन। और ये जब मठ में आ गए बड़ा ही अद्भुत गुण उनका जीवन चरित्र है कि धर्म सभा के आयोजन हुआ था उनके गांव में। तो प्रभुपाद की कुछ पार्षद लोग जैसे भक्ति हृदय श्री वन गोस्वामी महाराज श्री प्रणवानंद ब्रह्मचारी और उस समय और दो सन्यासी और कुछ ब्रह्मचारी लोग वही धर्म सभा में भाग लेने के लिए आए थे। तो इनके जो पिता थे वैकुंठ राय ये क्या ना एक जमींदारी परिवार के थे। तो इनके घर में ही उनके रहने के लिए व्यवस्था हुआ था। तो उस समय ये राधाराम जो थे ये क्या ना उनका बहुत सेवा की। जब ये चार पांच दिन के लिए धर्म सभा के आयोजन हुआ और ये सारी सारी वैष्णव की सेवा करने के कारण ये जब जा रहे थे बच्चे के साथ थोड़ा प्रीति संबंध हो गया। तो बोले कि उनके जो पिता थे उनको प्रार्थना की कि आप क्या करो एक बार जरूरी मायापुर का दर्शन करो और हाँ ये जो बच्चा है इनका सेवा भावना वैष्णव प्रति अच्छा है इसको क्या करो आप हमारे गुरुदेव प्रभुपाद की सेवा में आप इसको सेवा में ही दे दो। तो इस बार उनको तो आमंत्रण करके चले गए। तो एक बार उनके जो पिताश्री थे वो एक बार अवश्य जाके मायापुर में उपस्थित हुए और मठ की ठाकुर जी सेवा पूजा और प्रभुपाद की जो दिव्य कलेवर को दर्शन करके बड़ा ही प्रफुल्लित हो गए और उनका मुख से तो हरिकथा श्रवण करके बड़ा ही आश्चर्यचकित हुए और बड़ा ही उनको प्रभावित किया सारी सारी वस्तु। तो दूसरा बार जब धर्म सभा के आयोजन हुआ तो अपने पुत्र को क्या किए उनके साथ छोड़ दे क्या करो जाके ना तुम वहाँ प्रभुपाद की सेवा में नियुक्त हो जाओ। देखो हमारा जाति जगत में की रीति है भाई किसके चाहे छह बेटा क्यों हो दस बेटा क्यों हो कोई कभी उनका माँ कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा साधु और उनके पिता माता जी शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कि वास्तव में हमारे उड़िया में कहावत है मानुष्य जीवन में लाभ यदि गोविंद ठहरे भाव अर्थात मनुष्य जीवन वही ही फायदा है अगर गोविंद के साथ कुछ भाव हो जाए कुछ संबंध हो जाए और वो होगा कैसे। तो इसलिए अगर कोई मठ में साधु वैष्णव की सेवा नहीं करेगा और ठाकुर जी के साथ सेवा नहीं करेगा तो संबंध किस प्रकार के माँ के बच्चे के साथ संबंध हो जाते क्यों क्योंकि सुबह से लेके शाम तक उसके उसको उठाना उसको खाना देना उसको नहाना उनको कपड़ा पहनाना यही करते करते उनके साथ क्या उनका अटैचमेंट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ठाकुर जी को ठाकुर मंदिर में क्या होता है यही तो होता है ठाकुर जी रोज मंगलारती में जागरण कराना उसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना अर्थात खाने के लिए देना उसके बाद ठाकुर जी को स्नान कराना अर्थात अर्चन करना फिर ठाकुर जी को कपड़ा श्रृंगार करना इस प्रकार ठाकुर जी के साथ ही सेवा पूजा के द्वारा ही क्या हो जाता है ना धीरे धीरे संबंध होता है। तो इनके पिता माता जो थे तो देखो कितना मतलब शिक्षणीय विषय यही है कि अपने पुत्र को स्वेच्छापूर्वक छोड़ दे क्या करो न जाके तुम साधु गुरु वैष्णव की सेवा करो ये आजकल दुर्लभ हो गया। बोले क्यों दुर्लभ हो कि इसी कारण के लिए हमारा अगर छह छह बेटा अगर यम महाराज लेंगे ना यमराज लेंगे तो हम किसी को शिकायत नहीं कर सकते छाती के ऊपर पत्थर रख के भी उसको सहन कर लें। मगर एक बेटा अगर साधु बनने के लिए गया कि और कोई मठ में एक बार गए तो 100 आदमी क्या करेंगे बोले यार मठ में चला गया बाबा जी बन गया तिलक कर दिया। तो इसे वास्तविक शिक्षण विषय क्या है। मैं जब और मैं हमारे भी इस प्रकार पहुंचते हम भी ऐसे हमारे पिता माता छोड़े नहीं थे तो हमारे एक वैष्णव ने हमको बोले थे बोले कि हाथी को देखे हो हाथी देखे हो आप लोग सब देखो तो वो हाथी जब रास्ता में जाता है ना तो क्या होता है माहौल क्या होता है कुत्ते बड़े भूखते हैं ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई मतलब कुछ मतलब सही पथ में गया तो जाति जगत लोग से सहन नहीं होता है तो क्या हमसे वो कुछ ना कुछ बोलते रहते तो वास्तव में उनके बात सुन के कभी हरि भजन से नहीं हटना चाहिए। हमारे महाराज जी बताते बल्कि जाति जगत तुम किसी भी क्रिया के द्वारा कभी संतुष्ट नहीं कर सकते कैसे ना आज एक काम करो तुम बोले जाति लोग सब बोल रहे आज क्या करो रास्ते में मुंह को नीचे करके माथा झुका के चलते चलने शुरू कर दो ठीक है लोग भी बोलेंगे। अगर बोलेंगे माथा ऊपर करके जाऊंगा मुंह ऊपर करके जाऊँ फिर भी लोग बोलेंगे अगर सीधा करके जाओ फिर भी बोलेंगे अगर ऊपर करके जाओ बोले देखो किससे किसी का पिता माता से उत्पन्न हो गया थोड़ा भी उनका लज्जा चला नहीं मुंह ऊपर करते करते जा रहे हैं यही बोलेंगे ना। और नीचे करके जाओगे बोले इसे थोड़ा इतना गंदा काम किया इतना खराब काम किया अभी मुंह उठाने के लिए दिखाने के लिए भी लायक नहीं इसे मुंह छुपा छुपा के जा रहे हैं। अगर सामने देख के जाओगे बोले कितना खराब है देखो दूसरे के ऊपर खराब नजर डाल रहे हैं।
तो ज्यादा दी जाए तो किसी क्रिया में भी आप लोग कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो। मगर वैष्णव ठाकुर दया सागर, अरे वैष्णव ठाकुर की सेवा करोगे, वैष्णव ठाकुर कैसा है ना, अल्प सेवा बहुत गरिमानी, थोड़ा सा अगर सेवा करोगे तो ज्यादा मान लेंगे हमको। तो महाराज की जीवन चरित्र ऐसा ही, बाल्यकाल से ये जो प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे तो बड़ा ही अद्भुत एक ही बड़ा शिक्षण विषय कि एक बार श्री महाराज ने प्रभुपाद बड़ा अच्छे कीर्तनिया थे, बड़ा अच्छे कीर्तन करते थे, तो इसलिए पूर्व बंगाल मतलब ढाका में इसकी गौड़ी मठ में उस समय कोई कीर्तन की जरूरत था, तो उस समय जो मठ के वहां का जो इंचार्ज ये प्रभुपाद के पास लेटर लिए कि अगर कोई कीर्तनिया हो सके तो आप क्या करो इस मठ में उनको प्रदान करो। तो प्रभुपाद इस पत्र को प्राप्त करके राधा रमन प्रभु और किसी एक ब्रह्मचारी को क्या किए ढाके के लिए भेजने के लिए टिकट भी बना दिए। तो जिस दिन टिकट हुआ था उस समय तो इस प्रकार व्यवस्था नहीं था फ्लाइट में जाने के लिए, उस समय जहाज में जाना पड़ता था। तो जब जहाज में जा रहे थे तो जिस दिन टिकट था उस समय मठ की बड़ा स्थिति खराब था, इतना पैसा ये इस जाकर जमीन में इतना कुछ था नहीं। तो प्रभुपाद ने पहले उनको क्या किए ना उस दिन पहले मना कर दिया, बोले कि तुम इस दिन जाना नहीं। ये तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए, बोले इतना पैसा करके हम टिकट बनाए और प्रभुपाद के कहने पर ही बनाए और प्रभुपाद ने मना कर दी। फिर दूसरे दिन जब जिस दिन फाइनल हुआ जाने के लिए तो ये फिर राधारानी प्रभु अकेले जा रहे थे तो जहाज में जाना पड़ता था। तो ये क्या किए पहले जाके छोटे से बच्चे तो है ही, तो जो दरवाजा खिड़की जहाँ था उस समय जाके वहां बैठ के, एक लाइन में तीन सीट होता है तो जाके खिड़की के पास बैठ के क्योंकि हवा लगे थोड़ा दखी के जाएंगे। तो धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे तो उनके पास क्या हुआ ना कि पास में कोई बूढ़ा आदमी बैठा और कोई युवा बैठा, तो तीन ऐसे बैठ गए। तो कुछ समय के बाद वो बूढ़ा बोलने लग रहा है कि क्या ना आजकल बच्चे ना सब खराब होने लग रहे, पता नहीं पिता माता अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे इसलिए मठ में भेज देते। तो इसी प्रकार बड़ा महाराज खराब खराब बात बोलने लगा, बोले कि और इनको भी बोला कि तुम इतने बच्चे हो तुम इधर क्यों बैठे खिड़की के पास, यहाँ में बैठने के लिए वास्ते तो मैं लायक हूँ क्योंकि मेरा वार्ता है कि मेरे सास पास ठीक से नहीं जा रहे और खिड़की में बैठा था थोड़ा सास पास ठीक से जाएगा। तो महाराज इतने सुन के क्या किए खिड़की वाला जो सीट था उसको छोड़ के बीच में आ गए। अभी जो युवा लोग था वो भी उनको कुछ ऐसा तैसा बोला तो महाराज वहां से उठ के क्या किए जाके खिड़की के सामने खड़ा हो गए, वहां जाके सामने दरवाजे के पास। तो अभी कुछ क्षण के बाद क्या हुआ कैप्टन ने बड़ा आगाज किया कि बड़ा अद्भुत अभी एक विपत्ति आ रहा है कि उस समय समुद्र में कब क्या हो जाता है, क्लाइमेट तो अब चेंज हो जाता है कुछ पता नहीं चलता था। तो ये बड़ा सा क्या होता है आंधी तूफान आ रहा है, इतना बड़ा तूफान आ रहा है कि इससे पता चलता है कि अभी हम कोई भी नहीं बचेंगे, अभी क्या करो अपनी इष्ट को स्मरण कर लो अंतिम समय भगवान को प्रार्थना करो और भगवान ही बचा सकते नहीं तो हमारा बचने की कोई और उम्मीद ही नहीं है। तो अरे सारी सारी लोग रोने शुरू करते क्यों, क्योंकि जो बूढ़ा था ना वो कुछ अर्नामेंट लेके जा रहा था किसी कारण के लिए अपनी बेटी के शादी करने के लिए, तो वो तो रोने लगा मैंने जीवन भर की कमाई और एक ही बेटी उनके शादी करने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैं मर जाता तो कुछ असुविधा नहीं, और ये जो अर्नामेंट अगर सब खत्म हो जाए तो बेसिक बेटी के शादी के चला मैं तो मरता मरू मरू मेरा सारी सारी जीवन की कमाई भी लेके चले गए। तो इस प्रकार सब दुखी होने लगे, सब रो रहे और ये इन लोगों के बीच में बात आए बल्कि देखो जो बच्चा है ना वो साधु है, वो क्या है ना वो साधु है, वो बाल्यकाल से भगवान की भजन साधन करे, हम तो कभी भगवान को पूछे नहीं भगवान के साथ हमको संबंध नहीं, तो हम अगर भगवान को भी प्रार्थना करेंगे तो सुनेंगे नहीं। तो फिर क्या किए ना सारे सारे लोग मिलके बोले कि प्रभु आप ही क्या करो ना आप ही ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि जैसे आप बच जाए। देखो ये क्या बोलते बल्कि देखो यही लोग अभी क्या कर रहे थे महाराज की निंदा कर रहे थे बल्कि पिता माता उनको अच्छे से पालन नहीं कर पा रहे इसलिए क्या करे मठ में छोड़े। यही लोग फिर अभी क्या किए उनको बड़ा स्तुति कर गए प्रभु आप क्या करो ना इनका हमारे लिए प्रार्थना करो भगवान को। तो महाराज जी ने बोले कि देखो मेरा अंदर तो इतना कुछ शक्ति सामर्थ्य नहीं कि मैं भगवान को प्रार्थना करूँ भगवान सुन ले क्योंकि मेरा भी भगवान के साथ कुछ संबंध नहीं। हाँ मगर एक बात है मेरा गुरुपाद पद्मी की मुखारविंद से मैं श्रवण किया हूँ कि जो जगत की सर्वशक्तिशाली क्या है ना भगवान के नाम है, अगर ये नाम की कोई आश्रय ग्रहण करता ये नाम प्रभु इतना कृपालु है इतना कृपालु अगर एक बार कोई उनका आश्रय ग्रहण करता है वो कभी उनका अमंगल नहीं करते, तो आप क्या करो मेरे पीछे पीछे ये भगवान के नाम लिखते नाम को क्या करो ना दोहरा। तो ये सबसे बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
प्रकार उस समय जब ये महामंत्र किए और ये लोग सारी सारी भगवान की कीर्तन किए, तो कुछ क्षण के बाद फिर कैप्टन ने क्या बोला कि बड़ा सौभाग्य की विषय ये है कि जो आंधी में आ रहा था वो अचानक ही अपनी दिशा बदल के और कहीं चला गया और हम लोग अत्यंत सुरक्षित थे। तो इतने सुन के ही सारे सारे लोग आके तो राधा रमन जो प्रभु थे उनको तो बड़ा प्रशंसा करने लगी, प्रभु हम तो बड़ा चमत्कार कर लिए, आपकी ये जो प्रार्थना तो ठाकुर जी से सुन लिए। तो महाराज जी जीवन चरित्र में बार बार इसको सुनाते कि देखो ये वही लोग हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे थे ना, मेरा बड़ा ही निंदा कर रहे थे कि पिता माता पालन नहीं कर पा रहे, हम तो खिड़की के सामने बैठने जो ये आप तो यहाँ से चले जाओ, इस प्रकार बोल रहे थे हाँ। और यही लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, हमारा प्रशंसा कर रहे। तो इसलिए महाराज अपनी जीवन चरित्र यही शिक्षा प्रदान करते, बोले जगत ही जगत की लोगों की जो निंदा और स्तुति ये कैसा है ना, समानार्थ बोधक। बोले कि जगत ही जगत में अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहे तो उसमें भी प्रभावित मत हो, और कोई अगर तुम्हारा स्तुति कर रहा है ऐसा मत समझो कि तुम्हारे गुण को देखिए वो स्तुति कर रहा है, आपने स्वार्थ हासिल हो रहा है इसलिए वो आपकी बड़ा स्तुति कर रहा है, स्वार्थ जब बंद हो जाएगा वही लोग तुम्हारा क्या करेगा ना निंदा करेगा। इसलिए क्या जगत की जगत के लोगों का निंदा और स्तुति ये समान अर्थ बोध हो वाचा। आप लोगों को जो विपत्ति आए ना, जोर जोर से ठाकुर का नाम लेना, वहाँ समस्त विपत्ति चल जाएगी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तव श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक बार और बोली प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री हरि गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग नमन प्रणाम करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आज हमारे प्रभुपाद पार्षद श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी का तिरुवापतिथि है, और उनके विषय में अभी मैं कुछ पुष्पांजलि देने का प्रयास करता हूँ। कुछ एक मुख्य घटना थी जो हमारे पहले तपर गुरु जी ने बता दी और मैं एक दो बात बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने सुना कि जो भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज जी थे उनका बचपन का नाम क्या था, राधा रमन। तो उनका नाम राधा रमन क्यों पड़ा, तो उनके जो माता पिता थे ना वो बचपन से ही भक्त थे, उन्होंने अपने घर में एक विग्रह रखे थे उनका नाम ही था राधा रमन, वो उनकी बड़ी सेवा करते थे, तो उन्हीं विग्रह के नाम पे उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा, राधा रमन। जैसे कि गुरुदेव बताते ना कि अपने बच्चों का नाम किस पे रखो, ठाकुर जी के नाम पे रखो, कम से कम ठाकुर जी का नाम तो स्मरण हो। जैसे कि हमने भागवत में सुना ना अजामिल कथा प्रसंग, क्या नाम दिया था उन्होंने लास्ट में, नारायण। उसी प्रकार हमेशा हमें निरंतर भगवान भगवत नाम करना चाहिए। तो उसकी विधि क्या है कि कम से कम अपने घर में वैसे नाम नहीं ले सकते तो अपने कम से कम बच्चों का नाम तो रखो, है ना, नारायण गोविंद कृष्णा राधा राधे। तो उसी प्रकार उन्होंने अपने बच्चों का नाम रखा राधा रमन। और बताया गया कितने बड़े धनी परिवार से थे, जमींदार थे उनके पिताजी, और जमींदार के साथ साथ वो एक वैद्य थे, ज्योतिषी थे, वैद्य भी थे, लोग उनके घर आते थे, बड़ा सम्मान था उनका। तो जैसे कि अभी हमने सुना कि उनके घर उनके गांव में धर्म सभा थी, बड़े बड़े वैष्णव आए थे, तो वो वैष्णव जो लोग थे वो सबके घर ना भिक्षा करने जाते थे, तो भिक्षा करने के लिए उनके पिताजी भी जाते थे। सोचो इतने बड़े जमींदार हो गए वो भी उनके साथ भिक्षा करने जाते थे, अपना कोई अभिमान छोड़ के कि मैं भैया गांव का जमींदार हूँ, नहीं, भगवान की सेवा के लिए सब समान है, क्या जागतिक जगत में तो जमींदार है, क्या भगवान के लिए जमींदार है, नहीं। तो जमींदार होते हुए भी लोगों के घर भिक्षा मांगने जाते थे। जैसे कि हम लोगों ने प्रसंग सुना भी है जगन्नाथपुरी यात्रा में कि जो राजा थे वहाँ के, वो एक बार कहते हैं झाड़ू लगा रहे थे राधा पुरुषोत्तम देव, है ना, तो उनके लिए एक मंत्री आया हुआ था, उन्होंने भेजा था कि जाओ जो लड़का देख के आओ कैसा है अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए, तो क्या लगा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे। तो क्या वो वास्तव में कि किसके लिए झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के लिए झाड़ू लगा रहे हैं, है ना, तो इसका क्या वो जमींदार हो गए, क्या वो जमादार हो गए, नहीं, है ना। उसी प्रकार बताया कि वो भगवान के लिए हम तो क्या है, कुछ भी बन सकते हैं।
ठीक है, जागतिक लोगों के लिए हम हमारे कुछ पोजीशन हो सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने हमारी कोई पोजीशन नहीं है। तो जैसे कि हमने सुना भक्ति हृदयवन गोसाई महाराज जी और भक्ति कुमोद संत भक्ति वन कुमोद नहीं भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी जो उस समय कर्मचारी थे, जब जब उनके घर आए तो उन्होंने देखा बच्चे की बड़ी रुचि है। किस चीज में रुचि है? वो हमेशा मंदिर में बैठा रहता है, कथा सुनता है, कीर्तन सुनता है। तो उन्होंने उनके पिताजी से जिज्ञासा की कि उसको हमारे साथ कुछ दिन के लिए हमारे साथ भेज दीजिए। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए। तो माताजी, हमने सुना देखो पिताजी तो कैसे हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, माताजी भी क्या है। माताजी सबसे छोटे पुत्र थे, तीन भाइयों में, उनको क्या शिक्षा दे रही कि जाके अच्छे से सेवा करना। किसकी सेवा करना? प्रभुपाद जी की सेवा करना। हाना क्या शिक्षा दे रही माता कि जाके अच्छे से प्रभुपाद जी की सेवा करना। और बच्चा जब वो वापिस जब मठ में आया तो प्रभुपाद जी ने पूछा उनसे, क्या तुम मठ में रह लोगे? कह रहा हाँ मैं मठ में रह लूंगा। और वास्तव में वो मठ में रहे, अपनी पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई के साथ साथ सेवा भी करते थे, वैष्णव के कपड़े भी धोते थे, झाड़ू भी लगाते थे, कुछ छोटे बालक। सोचो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। एक बार वहां प्रदर्शनी लगी हुई थी, अभी हमारे जैसे आप लोगों ने देखा होगा चित्र विचित्र मठ में, हमारे प्रभु देव मठ में चित्र बना रखे हैं, सारी लीलाएं महाप्रभु जी की, ये लीला है कृष्ण की, लीला है राम की लीला है। तो वैसे प्रभुपाद जी के समय प्रदर्शनी लगती थी, जब प्रदर्शनी लगती थी तो उसमें एक बार प्रभुपाद जी ने देखा तो राधा रमन छोटा सा बालक, वो भी क्या कर रहा है, लोगों को प्रीचिंग कर रहा है, लोगों को महाप्रभु जी की लीलाएं बता रहा है कि हरिदास ठाकुर है और ये ऐसे है, महाप्रभु जी की लीला है, गौर लीला, ये पूरी लीला वो पीछे से प्रभुपाद जी सुन रहे सारी लीला है और बड़े प्रसन्न हो रहे। उसको देख के बड़े आनंदित हुए। और वह उस दिन उनके माता पिता भी आए हुए थे, तो प्रभुपाद जी ने उनके माता पिता से उस बालक की बड़ी प्रशंसा की, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण नहीं है। तो साधारण क्यों नहीं है? जैसे कि हम लोगों ने सुना था जब प्रभुपाद जी ने षटकोटि हरिनाम किया था, है ना, तो उन्होंने प्रभुपाद स्वयं महाप्रभु जी उनके सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने क्या बोला कि प्रभु तुम जाके प्रचार करो, लेकिन उन्होंने क्या बोला, मेरे पास ना धन बल है ना जन बल है। तो महाप्रभु जी ने आके आश्वासन दिया कि तुम्हारी सारी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये लगा लो इसी का प्रतीत होता है कि जो महाप्रभु जी भक्ति को संत गोसाई महाराज जी थे, इनको स्वयं किसने भेजा? महाप्रभु ने। तो ये साधारण हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जाके प्रदर्शनी में अपने माता पिता को भी वहां जाके उपदेश दे रहे, अपने माता पिता को भी उन्होंने बताया प्रभुपाद जी के बारे में। और फिर प्रभुपाद जी ने क्या किया, उनका आश्रय लिया। पहले उनके माता पिताजी की दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन जब छोटा बालक उसने प्रभुपाद जी के विषय में बताया तो तब उनके माता पिता ने जाके प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण किया। तो देखो अभी जगत में क्या देखा जाता है, माता पिता बच्चों को बताते हैं ये करो वो करो, लेकिन वहां विपरीत दिखाई दिया, बालक खुद अपने माता पिता को कह रहा है कि तू आप क्या करो, प्रभुपाद जी का आश्रय ग्रहण करो। और फिर उसके प्रभुपाद जी ने पूछा क्या मैं, ये बालक है ये यहीं रह सकता है? तो उनके माता पिता भी देखो कैसे क्या कह रहे हैं, हमने ये पुत्र आपको ही समर्पण कर दिया है, यहाँ से आपको समर्पित कर दिया है, ये आपका हुआ। तो माता पिता भी ऐसे देखो। और जैसे कि हमने एक बार की बात है, वहाँ एक प्रेस चलती थी प्रभुपाद जी की नदिया प्रकाशन, तो उस प्रेस का जो काम चलता था उसके लिए पेपर चाहिए होते थे अखबार के लिए। तो एक बार क्या हुआ, अखबार खत्म हो गए और एक कृष्णा नगर प्रेस थी, बहुत दूर थी, काफी दूर थी, और बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत भयंकर तूफान आ रखा है। अब कल नदिया प्रकाशन का जो पत्रिका प्रकाशित होनी है, अब पेपर कहाँ से आए, सब लोग बड़े टेंशन में, कैसे करें क्या करें। तो जो भक्ति कुमार संत गोसाई महाराज जी तो राधा रमन ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा। उन्होंने पकड़ी साइकिल, पहले जमाने ऐसे तो नहीं बाइक दे दी, चाबी दे नहीं, गाड़ी दे मैं जाऊंगा नहीं, साइकिल पकड़ी और बड़े भरे तूफान में, बड़ी बारिश में, बड़े कष्ट से बहुत दूर कई किलोमीटर जाके वहां प्रेस में गए। उन्होंने वहां जैसे प्रेस जो अखबार का बंडल था कागज का, उसको जैसे तैसे लपेटा, उसको साइकिल के पीछे कैरियर होता है उसको बांधा और जाने लगे। तभी तूफान आने लगा। अब क्या करें, अब उन्होंने क्या करा, अपनी धोती उतार दी, जो 4.5 मीटर की धोती उतार के उस पूरे धोती से पूरे पेपर को रोल कर दिया कि वो पेपर ना भीग जाए, और अपना जो ये उत्तरी वस्त्र था इसको धोती की तरह बांध के साइकिल में इतने कष्ट से वहां पहुंचे। जब प्रभुपाद जी ने देखा ना, प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए। तो वहां पे जो भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी थे, उन्होंने बताया प्रभुपाद जी को, देखो ये बात छोटा सा बालक और इसकी देखो ऐसी निष्ठा और कैसे इसके अंदर बुद्धि आ गई कि कैसे पेपर बचाना है क्या करना है। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे बताया कि जब हम कोई भी भगवत कार्य करते हैं
तो हमें भगवानी बुद्धि देते हैं, हमारे अंदर हमारी भगवानी बुद्धि देते हैं कि हमें कैसे करना है। हम खुद कभी सोचेंगे ना कि हम नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वास्तव में हम तो कुछ करते ही नहीं, सारे कौन करते हैं, भगवानी बुद्धि देते हैं, भगवानी कार्य करते हैं। अभी एक माता जी थी कुछ टाइम पहले, मुझे माता जी यहीं बैठी हो, उन्होंने बोला कि भैया गुरुदेव ने बोला प्रचार करो, कैसे करूंगी क्या करूंगी है, तो मैंने बोला भैया हम तो कुछ करते ही नहीं, मैंने कुछ अपने उदाहरण भी दिया, मैंने कहा भैया मेरे को भी कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ करता ही नहीं, जो करवाते हैं गुरुदेव ही कराते हैं, भगवान ही कराते हैं। इसका उदाहरण फिर प्रभुपाद जी ने भी दिया, जो भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी ने बोला एक बार जाओ एक प्रदर्शनी लगी है वहां जाके लोगों को प्रीचिंग करो, तो उन्होंने बोला कि प्रभुपाद पिछले साल भी मैं प्रीचिंग करने गया था तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है ना, और इस बार भी जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई रुक जाएगी। वो तो क्या लीला कर रहे हैं हमें शिक्षा देने के लिए, तो आप प्रभुपाद जी क्या शिक्षा दे रहे हैं कि देखो ये क्या है जागतिक विद्या, ठीक है, अगर हम सोचेंगे ना मैं पढ़ लिख जाऊंगा फिर भजन करूंगा, मैं ये कोर्स कर लूंगा, मैं संस्कृत सीख लूंगा, मैं पंडित बन जाऊंगा, मर्चेंट सीख लूंगा, मैं कथा सीख लूंगा, तब करूं, नहीं, पहले करो सेवा करो, करो तभी आएगा। अगर मैं सोचूंगा कि मैं ऐसा करूंगा तब आएगा, कह रहे नहीं, बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं कि मैं पहले एक काम करूंगा, अच्छी सी नौकरी करूंगा, ये कर लूंगा, इतना कमा लूंगा, फिर भजन करूंगा, क्योंकि गारंटी है। ऐसे हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग छोड़ के चले जाते हैं। मठ में भी बताया गया बहुत से ऐसे लोग आते हैं, संस्कृत सीख ली, पांडित्य सीख लिया, अर्चन विधि सब कुछ सीख लिया, कीर्तन, फिर क्या है संसार में चले। तो प्रभुपाद जी का शिक्षा दे रहे हैं कि जब आपको अवसर मिले, समय का कुछ पता है क्या कि कब समय प्राण छूट जाए, तो जब समय मिले उसी समय भगवान की सेवा में लग जाओ, कभी विचार नहीं करो। ये महाराज थे ना, कौन सा महाराज, प्रकट हो गए तीर्थ महाराज, चार क्लास पढ़े थे, क्या उनको पढ़ाई का चार क्लास है, मंदिरी में आकर थोड़ी बहुत इधर उधर पढ़े किए, और हमारे घर में प्रचारकों में सबसे बड़े थे, सबसे ज्यादा शिष्यों में था, सबसे ज्यादा ज्ञान, जब वो कथा सुनाते थे ना गुरुदेव भी सुन सुन के दंग रह जाते थे, हाँ गुरुदेव भी बोले इसको अंदर में कोई विशेष चीज है, इसीलिए कहते ना ना अयम आत्मा प्रवचने न लगभग, ये आत्मबुद्धि प्रवचने से नहीं होता है, न मेधया ज्यादा बुद्धिमान से नहीं होता है, न बहुना श्रुते न ज्यादा सुनने पर नहीं होता है, कहते भगवान से ही जाने जा रहे देखो जाना है। जब हम निष्कपट होकर के ठाकुर का सेवा करेंगे, देखना ठाकुर जी अपने आप हृदय से सारे स्फूर्ति कराएंगे, ये हृदय से अपने आप ये चीज को स्फूर्ति होता है। सबसे कम पढ़ाए थे और हमारे अंदर में सबसे ज्यादा विद्वान वही थे, और सबसे ज्यादा बड़े सुंदर कथा सुनाते थे यही, और सबसे ज्यादा शिष्य उनका वही थे, और सबसे ज्यादा प्रचार उन्हीं का ही सबसे ज्यादा प्रचार था। इसलिए प्रभुपाद का समय में है, प्रभुपाद का समय में क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत बड़ा अफसर आया कथा सुनने के लिए, उस समय एक महाराज थे भागवत महाराज, वो बड़े विद्वान, सबसे बड़े संस्कृत में लिखाई पढ़ाई था, तब प्रभुपाद को पास में आए, बोले प्रभुपाद हमें आदेश दो उनको पास में हम भागवत कथा सुनेंगे, क्यों वो बड़े विद्वान संस्कृत थे। प्रभुपाद बोले तो भागवत का भा नहीं जानता है, भागवत सुनना है ना वैष्णव दास के पास में जाओ, जो दीप भर खेती में काम करता था, ठाकुर जी के लिए सब्जी उगाया करता था, ठाकुर जी के लिए फल फूल उगाया करता था, और हाथों में दिन भर सेवा करता था, और मुंह में दिन भर ठाकुर का नाम लेता था, और खूब वैष्णव सेवा करता था, कथा को बड़े ध्यान, बोले उनको पास में क्या कथा सुना, वो तुमको कथा सुनाए। सचमुच से उनको पास में जब गए, बड़ा अफिसर था, जब जाकर प्रणाम किया, बोले मेरे को क्या आप क्यों प्रणाम कर रहे हो, आप इतने बड़े अफिसर हो, मैं कहा है, मैं कहा दीन निमित्त अनपढ़, बोले प्रभुपाद आपको पास में हरि कथा सुनने के लिए, बोले बोले हरि कथा मैं क्या बोलूँगा, मैं तो अनपढ़ हूँ, बोले नहीं प्रभुपाद भेजे, जब प्रभुपाद भेजे सुने, तब प्रभुपाद को चरणों का स्मरण करते हुए तब उन्होंने सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाई, सुनकर क्योंकि जो सेवा है ना उस सेवा को द्वारा हृदय में अपने आप स्फूर्ति प्राप्त, भगवान स्वयं अपने आप स्फूर्ति प्राप्त कराते हैं अगले सेवा के द्वारा। इसलिए ये जो महापुरुष है इसलिए बोले पढ़ाई जड़ विद्या तो मायार वैभव तुम्हार भजन बाधा। प्रभुपाद कहते हैं ये जितने जड़ विद्या है ना कभी माया क्या जाल बिछा करके क्या करता है भजन में हम इतने बिखे पड़े अभिमान आ जाती है, जीव के वो क्या करता है जीव को गधा बना देती है, गधा क्या करता है दीन और पीठ पर भोजन को ढोता है, चाल चीनी लवण ढोता है, खाता है भूसा खाता है,
इसलिए कहते जो जड़ विद्या कभी कभी जीव का धर्म अभिमान, अरे हमने इतने लिखे पढ़े हम इतने जानता हूँ है, कहते जीव को ये संसार में गधा बन जाता है, संसार में जीव को गधा बना देती है। इसलिए उनको बोले बोले अभी पढ़ने का जितना पढ़ लिया, संस्कृत पढ़ रहे थे जब प्रचार के लिए भेज रहे थे प्रभुपाद, बोल रहे थे अभी तो मेरा अंतिम जो पढ़ाई तो बाकी रह जाएगा, अभी जरूरत नहीं, गुरु वैष्णव की सेवा करो, सेवा से ही उनको विवाह सब कुछ मिल जाएगा। अरे क्या प्रचार, हमें उनको देखा है, क्या कथा सुनाते थे बाबर, कितने तेजस्वी पूर्ण कथा, कभी इनकी कथा बंगला भाषा में है कभी सुनना, रेकॉर्डिंग हो सकता है यूट्यूब में निकलेगा, क्या तेजस्वी पूर्ण कथा है। और क्या उन्होंने उत्तर जो देते थे, शायद वो बोलेगा, बोले मथुरा मठ में आए थे, वहां पर कोई ब्रह्मवादी था, वो मायावादी जो भगवान को निराकार निराकार मानता है, हैं? वो मानता तो भगवान निराकार निराकार, इसने आकर बोल दिया भगवान का तो आकार नहीं और निर्लिप्त तो अव्यक्त है, तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म है, जो उन्हें बोल कर बैठे गए ना, ये भक्ति गुरु के संतो गोस्वामी महाराज उस पास भागते हुए गए और त्रिदंडी संन्यास के डंडा लेकर उनको मारने के लिए गए। जब डंडा लेकर मारने के लिए गए वो तो डर गया है, और वह मार डर गए, बोले आप ब्रह्म हो, आप बता रहे थे ना हम ही ब्रह्म है, तत्व में से तुम वही हो, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही वही ब्रह्म हूँ, बोले तुम ब्रह्म हो, बोले हाँ ब्रह्म हो, बोले ब्रह्म हो तो फिर तुम डर क्यों रहे हो, ब्रह्म तो निराकार निर्लिप्त ये तो ब्रह्म, उसको विकार नहीं, तो डर रहे क्यों। जितने वैष्णव लोग ना जोर जोर से ताली बजा कर जो उनको जो उपस्थित बुद्धि था, उनको उपस्थित बुद्धि था, इसलिए एक समय जगन्नाथ जी थे ना, जगन्नाथ जी तभी जगन्नाथ जी को बोल दिया, अरे तुम्हारे ठाकुर जी का हाथ नहीं, ठाकुर तुम्हारे हाथ, ठाकुर जी की हाथ इनके कैसे हाथ है ना, वो तो जगन्नाथ जी कृष्ण कथा सुनते सुनते राधा रानी की प्रेम को दर्शन करते करते कृष्ण प्रेम में ये द्रवीभूत हुए है, इसलिए बोले यार पर जगन्नाथ जी का तो हाथ नहीं प्यार नहीं है, है? इसलिए उनका हाथ प्यार नहीं है कुछ नहीं जो बोले। इतने में अब देखना जो मुसलमान लोग है ना वो काछा देकर नहीं पहनते, चोटी इधर रखते हैं चोटी इधर विरोध काम करते हैं पाप लगता है, कोई तो काछा खोल कर बैठते पहनते, इसलिए इतने में अल्लाह ने तुम्हें जगन्नाथ जी के हाथ काट दिए, बोले अल्लाह जी ने तुम्हारे जगन्नाथ जी का हाथ काट दिया है, अल्लाह जी ने जगन्नाथ जी तुम्हारे हाथ को काट दिए, तुमको इतना क्रोध आए, उन्होंने बोला अल्लाह जी जगन्नाथ हाथ काट, बोला अल्लाह जी इसलिए तुम काछा देकर नहीं पहन सकते हो वैसे पहन के, तो इसलिए उन्होंने बांस को अंदर में घुसा दिया पीछे से अंदर में घुसा दिया, इसलिए घुसा दिया तो छीन गया पूरा, इसलिए काछा देकर के नहीं पहन सकते, हाँ काछा देकर भगवान तो ब्रह्मा ब्रह्मा निराकार है, उन्होंने क्या किया आग लेकर के ना, किसने बोलते हम भी भगवान हम भी भगवान, उन्होंने आग को लेकर उसको मुंह में घुसाड़ने के लिए, अरे भागे, बोले क्यों भाग रहे हो, भगवान कृष्ण तो अग्निपान किया ना, जब दावानल अग्नि लग गई ब्रजवासियों ने प्रार्थना किया तो उन्होंने दावानल को पान किया, भगवान तो दावानल पान किया तू भाग रहे तेरे मुंह में थोड़ा सी क्या करे आग घुसाड़, ऐसे ऐसे उनको उपस्थित बुद्धि था ना, कोई उनको हरा नहीं सकता था, कोई उल्टा पुल्टा बोल दे छोड़ते नहीं थे उनको, बड़े प्रचार के थे बड़े, इसलिए वो हमारी जो पुरी में जब बचपन में आया था वो पुरी में वो आते थे, पुरी में आते थे हमारे गुरु जी के पास, हमारे गुरु जी को शिक्षा गुरु मानते थे क्योंकि हम मेरे गुरु जी इनसे बहुत सीनियर थे, इसलिए हमारे गुरु जी के पास में आते थे, मंदिर में आते थे, हमारे गुरु जी की तिथि में उन्होंने आकर के हरी कथा सुने, भक्तों को लेकर के आए प्रसाद पाए, फिर मैंने महाराज से पूछा बोले महाराज भजन कैसे होगा, हम भगवान की भक्ति कैसे कर सकते, भजन कैसे होगा, हम कैसे ब्रह्मचारी जीवन जैसे मंदिर में रहना कैसे रह सकते, उन्होंने बोले एक ही बात होता है, देखो
कल माया से बचाया। वास अगर तू जैसे पूर्व ब्रह्मचारी है ना, अगर स्त्री हो से अगर किसी तरह से वहीं से अगर बच जाओगे तुम्हारी फिर तो भक्ति होने का कोई चांस नहीं, तो तुम्हारी बटवास होने का कोई तुम्हारी चांस नहीं। अगर उसके स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो भक्ति भक्ति तुम्हारी कभी जिंदगी में भक्ति कर नहीं सकते। केवल एक चीज से बच करके रहने के लिए कोशिश करो, पूछो तुम्हारी मरने वाले। मेरे को उन्होंने यही बात बताए थे, और किसी चीज को और कोई चीज देखने का जरूरत नहीं, इधर थोड़ी बहुत उधर चल जाएगा, लेकिन वो चीज ब्रह्मचारियों के लिए एकदम भक्ति में सबसे ज्यादा हानिकारक है। उन्होंने मेरे को ये उपदेश दे करके तो जब प्रभुपाद जी ने बोला कि भैया जाति विद्या को ना जानते हुए उसके पीछे ना पड़ते हुए अब जो हम गुरु वैष्णव की सेवा में भगवत सेवा में लग जाओ उससे तुम उससे ही तुम्हारा कल्याण होगा, तो जब उन्होंने बात सुनी तो उसकी ओर वो विचार किया और उसी की ओर अग्रसर हुए। कुछ समय बाद जब वो इतनी सेवा करते थे मठ में, तो प्रभुपाद जी ने स्वयं एक बात बोली कि अगर ये सारा का सारा दायित्व अगर ये संभाल ले कौन, भक्ति कौन थे संत गोसाई महाराज जी, तो मैं क्या होगा फिर निवृत्त हो जाऊंगा, मुझे मठ की चिंता नहीं रहेगी। स्वयं देखो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अगर ये संभाल लेंगे तो मैं फ्री हो जाऊंगा। तो प्रभुपाद जी उनपे इतने प्रसन्न हुए और उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको बोल दिया कि आप ही ये सब संभालो। तो प्रभुपाद जी उनको सब कुछ देने के लिए, संभालने के लिए मठ मंदिर और उनकी पूरी व्यवस्था उनको देने के लिए पूरे पूर्णतः तैयार थे। वो जो हरिकथा करते थे तो उनका हरिकथा में इतनी रुचि थी और वो लोगों को भी बड़ी शिक्षा देते थे कि जैसे हरिकथा हो रही है अगर हरिकथा के बीच में किसी ने बात कर ली, चाहे वो छोटा बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि सन्यासी क्यों ना हो, वो क्या बोल देते थे आपका अभी कथा में प्रवेश नहीं, आप चले जाओ। चाहे बहुत बड़ा सन्यासी क्यों ना बैठा हो कथा में, अगर वो कथा के बीच में बात करता हुआ दिख गया, कुछ ऐसा वैसा करता दिख गया तो उसको भगा देते थे बिल्कुल ही। एक बार एक स्त्री आ गई अपने छोटे बच्चे को लेके और वो बच्चा रोने लग गया कथा के बीच में, उन्होंने बोला कि माता जी आप ऐसे चलो जाओ, अभी आपका कथा में वो नहीं है। क्योंकि होता क्या है जब कथा चल रही होती है सब लोगों का ध्यान किधर चला जाता है, अरे बच्चा चलो दूध पिला दोगे इधर, टॉफी खा लो, सारा बच्चा सब क्या ध्यान किधर उधर चले जाता है। तो बड़ा इस चीज को लेके बड़ा स्ट्रिक्ट है कि कथा के बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि अब हमको ना मंजरी है, हम सब मंजरी है, मंजरी भाव है, और क्या है मंजरी भाव तो हम लेके बैठे हुए कि हम मंजरी है, मंजरी भाव लेके कथा सुनने आ जाते हैं। गोपियां क्या कहती है तत् कथा मृतम तत्व जीवनम, है कथा ही क्या है, यही कृष्ण है, यही जीवन है, और इसी के हम जब गोपियों की बात नहीं मानना तो किसकी बात मानेंगे, हमारा कोई अभी अधिकार ही नहीं है। कथा में क्या था अभी मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, है इधर उधर गप्पे मारने शुरू कर देंगे, तो इस चीज के बड़े स्ट्रिक्ट थे कि कथा में बैठना है तो कथा ही सबसे महत्वपूर्ण है और कथा ही आपको सुनना है, कथा ही से आपका उद्धार होगा। और सबसे जो हमेशा महाराज जी एक बात बोलते थे, उन्होंने हर जगह एक कथा में ये वाली जो घटना जो अभी तपन पुरुष ने बताई, ये घटना हमेशा बोलते थे कि भैया जागतिक लोगों की जो प्रशंसा और निंदा इसका कोई मूल्य नहीं है, कभी भी जागतिक लोग तुम्हारी निंदा करें तो इसका भी कोई मूल्य नहीं है, और प्रशंसा करें इसका भी कोई मूल्य नहीं है, कभी फूलना मत। जैसे उन्होंने बताया ना ढाका में जा रहे थे जहाज में, पानी का जहाज था, वो अभी खिड़की के पास बैठ गए, एक बुढ़ा आया तो उसने उन्हें उठा दिया, उठो यहाँ से तुम तो भी नौजवान हो, है हम वृद्ध हो गए, उठो यहाँ से खिड़की की सीट से, तो हट गए। और जब वो दूसरी सीट में गए तो वहां दो चार लोग बोलने लगे कि ये देखो आजकल के माता पिता कैसे हैं, बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं मठ मंदिर में भेज देते हैं, जब बस की नहीं होती तो बच्चे पैदा क्यों करते हैं, मंदिर भेज देते हैं। और जब वो बालक था उनको उठा दिया वहां से कि जाओ, और लोग क्या बोल रहे उन्हें, कह रहे कि देखो ये आजकल के बच्चे ना बड़े निकम्मे हो गए, क्यों इन्हें करना तो कुछ होता नहीं है, परिश्रम करना चाहते नहीं है, अब कुछ नहीं करने का बचा तो चलो मठ में जाके बैठ जाओ, है ये देखो अभी बिल्कुल नए नए जवान जवान लड़के हैं और मठ में जाके बैठ गए, कुछ काम तो घाम तो करना है नहीं, परिश्रम करना नहीं है, आलस्य परिपूर्ण है, तो मठ में आके बैठ गए। तभी क्या हुआ अनाउंसमेंट हो जाती है वहाँ कि साहब आप लोगों को सूचित किया जाता है कि जो पानी का जहाज है ना ये भैया तूफान आ गया डूबने वाला है, ठीक है अब आप सब लोग क्या करो भगवान से प्रार्थना करो। डॉक्टर भी यही बोलते हैं लास्ट में, जब कुछ सारे डॉक्टर लग जाते हैं ऑपरेशन करने में, जब कोई उपाय नहीं होता डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि अब एक काम करो भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, अब भगवान ही मालिक है, भगवान से प्रार्थना करो। अब जब वो ऐसे बोला तो वही बुड्ढा सबसे पहले रोने लगा, कह रहा मेरी बेटी की तो शादी होने वाली थी, मैं तो उसकी ज्वेलरी लेके जा रहा हूँ, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। तो एक आदमी बोल रहा है बुड्ढे चुप रहे हैं, वो अनाउंसमेंट हो रही भगवान को याद कर, तुम्हारी बेटी को क्यों याद कर रहा है,
कह रहा नहीं मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई मेरा धन सब कुछ तो मैं लेके चल रहा हूँ अपने पास, कैसे होगा क्या होगा। तो एक थोड़ा समझदार मुद्दा था, उसने बोला भैया ऐसा है अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का याद, भगवान को याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है, हमने जीवन भर तो भगवान को याद किया नहीं, भगवान हमारी सुनेंगे क्यों? जब हमने भगवान को जीवन भर याद ही नहीं किया तो हमारी भगवान सुनेंगे क्यों? भगवान तो उसी के सुनेंगे जिसने भगवान को याद किया हो। वो समझदार था, तो उसने सबके सब फिर किसकी तरफ देखने लगे, उस बालक की तरफ। कह रहे महाराज आइए महाराज आइए महाराज है। वो जो भक्ति में संत गोसाई महाराज जी बता रहे कि पहले तो मुझे धुतकार भी भेज रहे हड्डिया से, मैंने कहां से आ जाते हैं, कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, काम नहीं करना, और अब कह रहे महाराज आइए महाराज, उनकी बड़ी प्रशंसा। अरे महाराज हमने सुना है आप इतनी कमाई हो, इतना अच्छा भजन कर रहे हो, आपने पूरा भगवान को जीवन दे दिया है, अब आप ही कुछ कर सकते हो। वो भी समझ गया ना कि भैया हमने तो कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। कहता है दुख में सिमरन करे सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सिमरन करे तो दुख का ही कहूँ, है ना। तो भैया वहां बता रहे कि हमेशा निरंतर भगवान को याद रखो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो वहां फिर लोगों ने मुझसे प्रार्थना की कि आप एक काम करो, भगवान से थोड़ा विनती कर दो कि हम लोग बच जाए, है ना, मरता क्या ना करता। तो उन्होंने कहा भैया देखो मैंने तो अपने गुरुवाणी से ये सुना है कि जो भगवान के शरणागत होते हैं ना भगवान उन्हीं की बात सुनते हैं, और मैं तो शरणागत हूँ नहीं तो मेरी भगवान क्यों सुनेंगे। सब लोग मुंह बना लिया, ये भाई तो क्या कर रहा है, है? इसी से हमारी आशा दिया रही, मना कर रहा है। कह रहे नहीं लेकिन मैंने एक बात तो सुनी अपने गुरुदेव से कि जब भी कोई कुछ भी हो जाए लेकिन हरिनाम संकीर्तन करो, हरिनाम संकीर्तन ही सब कुछ कर सकता है, भगवान से बड़ा भगवान का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान का नाम सब कुछ कर सकता है। तो एक काम करते हैं मैं हरिनाम करूंगा, आप सब लोग मेरे पीछे पीछे महामंत्र बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थोड़ी देर कीर्तन के बाद क्या हुआ, जहाज तूफान बिल्कुल थम गया, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि भैया तूफान अब थम गया, अब सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और उनको जाकर धन्यवाद देने लगे। कह रहे आज आप नहीं होते तो हम क्या होते, डूब ही जाते, अगर आज आप नहीं होते हम डूब जाते, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे वाह आपके माँ बाप बड़े धन्य हैं, आपके माँ बाप बड़े धन्य हैं, जैसा पुत्र जन्म दिया, पहले क्या बोल रहे थे कहाँ से पैदा करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि जगत के लोगों की प्रशंसा निंदा को कोई मूल्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बड़ी शिक्षा, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत कुछ कहने का भी बहुत सारे वक्त है, तो मैं ये बोल के वाणी को विराम देता हूँ। वंशा के पुत्र वत्स के पास पहले वहां पर 2 घंटा लेट कर दिया, क्यों, वो मस्को में इतने आंधी तूफान था वो फ्लाइट उतर नहीं सकता, फिर 2 घंटा तक हमको वेट करना पड़ा। जब 2 घंटा वेट किया उसके बाद में फ्लाइट आई, लेकिन उसी समय भी आंधी तूफान तेज चल रहे थे लेकिन फ्लाइट उतर सकता। जब उन्होंने उतारने के लिए कोशिश की इतने आंधी तूफान था वो जो प्लेन को पकड़ नहीं पा रहा था, नीचे उतर नहीं पा रहा था। एक बार उसने फ्लाइट को उतारने के लिए कोशिश किया लेकिन वो पकड़ नहीं पाया, फिर उसने ऊपर उठा लिया, उठा कर फिर एक बार उसने चक्कर लगाया, जब चक्कर लगाया फिर उन्होंने जब दूसरे बार भी कोशिश किया तभी ये फ्लाइट को उतार नहीं पाया, क्योंकि आंधी उस समय भी बड़ी तेज से आंधी चल रहा था, उस समय भी उतार नहीं पाया। जब दूसरा उतारा उस समय ना कुछ लोग तो उल्टी करने लग गए, हैं उस समय उल्टी करने लग गए, हम लोग वहां बैठे हुए थे। अब उस समय तो मतलब जान लेना समय, अगर फ्लाइट अगर उतर नहीं पाया गिरेगा तो दिक्कत है, उसका लिमिटेड भी पेट्रोल भी लिमिटेड होता है। इतने में उसने फिर हम मैं वहां बैठे हुआ था, मेरे पास में कुछ भक्त लोग कुछ और कुछ लोग बैठे हुए थे, मेरा ऐसे कपड़ा था, जब कपड़ा था जब 2 बार में भी जब उसने लैंडिंग नहीं कर पाया मैं तो फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, जोर जोर से हरिनाम करना शुरू कर दिया। जब कर दिया फिर जब 4th बार में जा करके उसने किसी तरह से फ्लाइट को किसी तरह से उसने उतारा, जब उतर गया ना मेरे पास में कुछ लोग जो फ्लाइट में बैठे हुए थे बोले वो थे रसिया के लोग, लेकिन देखा संत स्वरूप में किसी कपड़ा है अलग चोटी हमारे मुड़ में जैसे मुड़मुड़ाए हुए देखा, समझ गए कुछ साधु लोग है, हैं। बोले बाबा आप लोग ने भगवान का नाम ले रहे थे ना, मैं हरे कृष्ण जोर जोर से बोल रहा था,
इसलिए फ्लाइट गया होगा नीचे, फ्लाइट उतर गया नीचे आने मेरे को इसलिए हमने देखा कभी कभी जो भगवान का नाम लेते हैं ना भजन कहते हैं ना वो बड़ी बड़ी विपत्ति भी उस समय भी टल जाती है। और एक संत के लिए जैसे भक्ति गुरु संत गोस्वामी महाराज थे पता नहीं वो तो अनाउंसमेंट कर दिया था बड़े खतरा में डूब सकता, लेकिन जब एक संत बैठा हुआ होता है ना भगवान फिर क्या करते हैं वो एक संत को रक्षा करने के लिए पूरा पूरा जहाज को पूरा पूरा बचा देते हैं एक संतों को रक्षा करने के लिए। सभी का भाग्य खराब था मरने वाले, लेकिन संतों की कृपा से सब कैसा बच जाते हैं। गुरुदेव है ना चैतन्य गौड़ी मठ की कथा, वो एक प्रभु जी थे वो वहां जा रहे थे हिमाचल गौड़ी मठ में, तो जब वो जा रहे थे बस में तो नए नए हरिनाम लिया था, हरिनाम करते हुए जा रहे थे, हरिनाम करते हुए जब जा रहे थे वो मठ में, तो जब वो मठ में हरिनाम करते हुए जा रहे थे बस में, तो क्या वो बस पूरी भरी हुई थी, पूरी बस भरी हुई थी और वो हरिनाम करते हुए जा रहे थे, अचानक ही क्या वो जो ड्राइवर था ना गाड़ी का उसकी आग लग गई और जो गाड़ी थी वो हिमाचल में जो पहाड़ी से नीचे जा गिरी और पूरी जब टकराई लुढ़कते लुढ़कते पेड़ों में सब लोग कुछ मारे गए, कुछ बेहोश हो गए, लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि उनकी सीट ना पेड़ चीड़ के वृक्ष होते हैं, उस चीड़ के पेड़ पे ऐसे रखी हुई थी जैसे किसी ने संभाल के रखी हो और उनके हाथ में माला और बेहोश पड़े हुए और उनके बगल में जो बच्ची थी ना वो बची, सिर्फ दो लोग बचे बाकी पूरी बस में सब लोग मारे गए। ये सच्ची घटना है, किसी ने सिर्फ क्यों हरिनाम अरे बोल रहे थे ना बामन गोसाई बोल रहे थे ना जब बामन गोसाई महाराज जा रहे थे जा रहे थे बस में जा रहे थे जाते समय हठात किसी ने आकर बोला उतर जा, उन्होंने बोला कौन बोल रहा है उतर जा, देखा कोई आस पास में नहीं और वो सुना ही नहीं बोले पता नहीं और बोले उतर जा जल्दी तेरे को बोल रहा ना उतर जा, फिर उसने बोले पता नहीं कौन बोल रहा है उतर जा और थोड़ी दूर गया तो फिर तेरे को बोला ना उतर जा नहीं उतर जा तू, तो उन्होंने वहीं पर उतर गया बीच में बोले अभी उतरना चाह उतर गया सचमुच से थोड़ी दूर जा करके बस एक्सीडेंट होकर के सब लोग खत्म हो गए। इसलिए भगवान अगर भगवान के हरि नाम करो भक्ति करो ना भगवान बड़ी बड़ी विपत्ति से भगवान तुम्हें बचा लेते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री दुर्ग स्वामी महाराज के चरण में संग कोटि धन प्रणाम। तदुपरांत समस्त गुरुपान गुरु परंपरा आज जिनकी शुभ तिरुभाव तिथि है नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए आप सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में रहते हैं कि प्रणाम। महाराज के जीवन चरित्र के विषय में हम काफी कुछ श्रवण कर चुके हैं। शास्त्रों में वैष्णव के यद्यपि वैष्णव के अंदर अनंत गुण है, कहते हैं कृष्ण सकल गुण भक्तेर संचारे सर्व महागुण गुण वैष्णव शरीर, तो कृष्ण के अनंत गुण है और कृष्ण के ही सब गुण उनके भक्तों में संचरित होते हैं। तो कृष्ण यद्यपि अनेक गुण बतलाए हैं वैष्णवों के, लेकिन विशेष करके जो 26 गुण बतलाए हैं कृपालु अकृत्रो सत्यसार सम और कवि दक्ष मौनी इस तरह से 26 गुण बतलाए हैं वैष्णवों के। तो उसके अंदर एक गुण है कवि, ये जो महाराज श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जिनकी आज शुभ तिरुभाव तिथि है बड़ी सुंदर रचना करते थे अपने आर्टिकल्स के माध्यम से और इन्होंने जो गीत लिखे हैं जो बांग्ला में गीत थे बंगाली भाषा में कई इनकी बड़ी सुंदर सुंदर रचना है, उसमें से एक जो गुरुदेव के विषय में इन्होंने जो कीर्तन लिखा है उस कीर्तन को मैं पढ़ के और उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या करने की चेष्टा करूंगा। इन्होंने उससे पहले हम जो उनकी जीवन चरित्र में सुन रहे थे किस प्रकार उन्होंने एक गौड़ीय में द गौड़ीय में एक आर्टिकल निकला था उनका और उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया था जैसे हम श्रीमन महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दी थी सनातन शिक्षा श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। तो इसको कोट करके और वहां पर श्री महाराज जी ने उल्लेख करते हुए कह रहे थे कि भैया जीवेर स्वरूप है गुरुर नित्यदास, अगर ये चीज में कह दी जाए
तो इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक बद्ध जीव इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, कभी किसी सौभाग्य से उसको ये मानव शरीर प्राप्त होता है। कहते हैं मानव शरीर प्राप्त करने पर भी जब तक उसको किसी सदगुरु का सानिध्य नहीं मिले, तब तक वो भगवान के भजन में अग्रसर नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कृष्ण रूपे, कृष्ण के रूप में ही क्या कहते हैं भगवान गुरु को भेज देते हैं। कृष्ण को क्या मान, गुरु को क्या मानो, कृष्ण का ही स्वरूप। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे, कहते हैं गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे, कि अगर कृष्ण को किसी पे वास्तव में कृपा करनी होती है तो वो एक सदगुरु को उसके पास में भेज देते हैं। तो इसीलिए श्री महाराज जी ने एक आर्टिकल के अंदर लिखा कि यदि इस चीज को कहा जाए कि जीवेर स्वरूप है गुरुर नित्यदास, तो इसके अंदर कोई दोष नहीं है। और जब ये बात श्री प्रभुपाद के कानों में पड़ी तो उनका भी ऐसा ही कहना था, बोले है तो बच्चा लेकिन बात कर रहा है एकदम वयस्क लोग जैसे, बिल्कुल एकदम एक्सपीरियंस लोग जैसे, इसने जो बात कही कहीं पर भी गलत नहीं है। अगर साधक अवस्था में देखें, साधक अवस्था में जब तक एक जीव सदगुरु चरणाश्रय ना करे, तब तक उसको मंत्र इत्यादि जो प्रदान करते हैं, जो सदगुरु एक भगवत भजन करने की पद्धति बतलाते हैं, वो तो संभव है ही नहीं। यहां तक कि साधक करते करते यदि सिद्ध देह में प्राप्त हो जाए, यदि सिद्धि को प्राप्त करे, तो गोलोक वृंदावन में भी वहां पर भी सीधा जाकर वो कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता। सिद्धि प्राप्त, जब वस्तु सिद्धि और स्वरूप सिद्धि दोनों प्राप्त होती है, तब पर भी वो जाकर सीधा कृष्ण का दास सीधा कहां हुआ? क्यों? क्योंकि वहां पर भी कृष्ण की सेवा करती है श्रीमती राधा रानी, और राधा रानी के अनुगत्य में सारी ललिता विशाखा आदि सखियां, उनके अनुगत्य में सारी मंजरी इत्यादि, और वहीं पर ही जाकर ये जीव कहीं ना किसी यूथ में मिलके और वहां पर जाकर कृष्ण की सेवा करेगा। तो वहां पर भी इसको किसी ना किसी का आश्रय तो ग्रहण करना ही पड़ा, स्वच्छंद रूप में, इंडिपेंडेंट रूप में तो ये जाकर कृष्ण की सेवा करेगा ही नहीं। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपने कीर्तन में, कबे लोकनाथ मोरे संगे लैया जावे श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर पीवे, कि कब मेरे गुरुदेव, पद्धति यही है, कब मेरे गुरुदेव श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे लेकर जाएंगे और मुझे श्री रूप मंजरी के चरणों में समर्पित कर देंगे, और श्री रूप मंजरी तब मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी कि मैं कैसे श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी, श्री युगल किशोर की सेवा करूं। तो इस साधक अवस्था में देखो, भले चाहे सिद्ध अवस्था में देखो, दोनों स्वरूप में ही गुरु और नित्यदास कहना एकदम ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने जो गुरुदेव से, किस प्रकार एक साधक को गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्होंने गुरुदेव, उन्होंने कीर्तन की रचना करी है, गुरुदेव दयामय प्राणीर जातना जानबो की तोमा होए छे जीवन जंत्रणामय। इसके अंदर देखो गुरुदेव के सामने हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, उसके विषय में बतला रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप बड़े दयामय हैं, आपके समान और कोई दयामय है नहीं। कहते हैं ना कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति, कि कृष्ण यदि कृपा रूप धारण करें तो वो गुरुदेव के रूप में ही उपस्थित होते हैं। तो हे गुरुदेव, आप बड़े दयामय हैं और मेरा ये जीवन क्या है, कहते हैं प्राणेर जातना जानाबो की तुम्हें, मैं आपको क्या वर्णन करूं, मेरा जीवन पूरा यंत्रणामय है, मैं पूरा दुख क्लेश में इतना पीड़ित हूं, मैं इस चीज का वर्णन आपके सामने कर ही नहीं सकता। इसीलिए हे गुरुदेव दयामय, आप क्या करो, आप मेरा इससे उद्धार करो। श्री कृष्ण भजेते नाही चाहे मती, विषय भोगेते प्रबल आसक्ति, विषय आशा नाही छाड़े मन, विषयते सदा धाय। कहते हैं मैं इतना दुखी तो हूं ही, लेकिन दुखी होने पर भी यदि किसी ने मुझे ज्ञान दे दिया कि जब तक भगवान कृष्ण का भजन नहीं करोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। भगवान के चरण कमल ही एकमात्र है अशोक अभय अमृत का आधार स्वरूप। अगर भगवान का भजन नहीं किया तो सुखी होने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन तब पर भी श्री कृष्ण भजते ना ही चाहे मन, मेरा मन इतना विषय में आकृष्ट है कि वो भगवान का भजन करने को नहीं धावित होता, भगवान का भजन करना नहीं चाहता। विषय भोगेते प्रबल आसक्ति, मेरे अपने इन इंद्रियों के द्वारा, इन इंद्रियों के विषय को भोग करने के लिए इतना आसक्त हूं कि कृष्ण भजन की ओर तो एकदम देखना ही नहीं चाहता। और विषयते सदा धाय, मेरी इंद्रियां, ये इंद्रियों को, जैसे भगवान कहते हैं ना गीता में कि ये इंद्रियां एक घोड़े के समान है और घोड़ा किस प्रकार धावित होता है, उसी प्रकार मेरी ये सारी इंद्रियां, आंख सुंदर स्वरूप देखना चाहती है, नाक अच्छी ग्रहण ग्रहण करना चाहती है, कान बढ़िया सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, लेकिन जड़ीय शब्द, जड़ीय दर्शन, जड़ीय ग्रहण, इसीलिए कहते हैं कि मेरी इंद्रियां तो विषय के प्रति धावित होती है, दौड़ रही है, मेरा इतना कृष्ण भजन में मेरा किंचित मात्र भी मन नहीं है। बाद में कहते हैं
कृष्ण दास से भूली माया रे भजीनु आपना स्वरूप कबूना चिंतीनु की रूपे भावी मूढ़ा मन माया ते आकृष्ट होए। मेरा मन इस माया के द्वारा इतना आकृष्ट हो गया है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शुक्र राशि, गोस्वामी जी कहते हैं ना। तो मैं भगवान का दास हूँ और दास का कर्तव्य है उसके मालिक की सेवा करना। दास का कर्तव्य होता है प्रभु की सेवा करना। आपके घर में कोई नौकर है, अगर वो घर की सेवा नहीं कर रहा, आपकी सेवा नहीं कर रहा, तो उसे घर से निकाल देंगे, है ना। एक नौकर का यही कर्तव्य है अपने मालिक की सेवा करना। लेकिन मैं इस बात को विस्मरण करके कृष्णदास भूली माया रे भजिन हूं, भगवान कृष्ण की सेवा ना करके और इस माया रूपी संसार में पुत्र परिवार इत्यादि की सेवा में मैं रत हो गया हूँ। और अपना स्वरूप कबू ना चिंतिनु, अरे मेरी आइडेंटिटी क्या है, जो जीवेर स्वरूप है गुरु नित्य दास व कृष्णेर नित्य दास, इस चीज को पूर्ण रूप में मैं भूल चुका हूँ और सब समय माया की सेवा में ही रत हूँ। दुष्ट संग फल ना भोजिन हाय, साधु काछे जेते चित्त नहीं चाहे, असतेर संगे हाकिया सतत चित्त होलो वज्र सम। ये तो मेरे को तो इस ये जो लाइन लिखी इससे काफी ज्यादा मैं अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं ना, विषय भोग करते करते ये चित्त इतना वज्र जैसा हो गया है कि कृष्ण नाम लेने से पर भी विकार उत्पन्न नहीं होता। तदश्म सारम हृदयम बतेतम यद गृहमाणे हरिनाम धेये, न विक्रियता यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रूहे सुहर्ष। कहते हैं ये भगवान का नाम ग्रहण करने का क्या फल है, भगवान का नाम इतना मंगलमय है, भगवान का नाम इतना आनंद प्रदान करने वाला है कि इसको लेने मात्र से आंखों से अश्रु प्रवाहित होते हैं, लेने से चित्त द्रवीभूत होने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो अष्ट सात्विक विकार है वो शरीर में उत्पन्न होने चाहिए लेकिन हमारे तो नहीं होता, हमारे तो होता नहीं ऐसा। कृष्ण नाम लेने पर किसी का विकार होता है? मेरे तो नहीं होता, आप लोगों का पता नहीं। तो इस क्या कह रहे हैं कि विषय चित्त होइलो वज्र सम, विषय भोग करते करते अपराधेर फलम चित्र होइला वज्र सम तुआ नामे ना होइलो राग। कहते हैं कि अपराध के कारण, विषय भोग करने के कारण ये चित्त हमारा इतना पत्थर के समान हो गया, ऐसा पाषाण हो गया है कि भगवान का नाम लेने पर भी इसके अंदर कोई विकार नहीं होता, किसी का दुख देखकर भी हमारा चित्त द्रवीभूत नहीं होता। इसीलिए महाराज यहाँ पर कह रहे हैं इस कीर्तन के अंदर कि हे गुरुदेव आप दयामय हैं, आप यदि कृपा करेंगे तो मेरा मेरे वज्र जैसा चित्त भी कभी निर्मल होगा, आपकी कृपा से ही एकमात्र संभव है। आगे कहते हैं कनक कामिनी लाभ पूजा आशा, चाहे मोरा चित्त आर प्रतिष्ठाशा, की रूपे शोधिते हवे मोरा चित्त ए चिंता सदा हवे। अपराध के साथ साथ और तीन चीजें विशेष करके, क्या? कनक, कामिनी, प्रतिष्ठा, अर्थात पैसा, स्त्री और प्रतिष्ठा की आशा। ये तीन चीजों के पीछे मैं इतना धावित हो रहा हूं, इन चीजों के पीछे इतना भाग रहा हूं कि कृष्ण भजन की ओर मेरा पूर्ण रूप में पीछे कर दिया है उसको मैंने। और विशेष करके बद्ध जीव की तो सारी क्रियाएं प्रतिष्ठा के लिए ही होती है। विचार करके देखो हम कितनी बार ही ये दावा करते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं या फिर, लेकिन गुरुवर कहते हैं कि बद्ध जीव की प्रत्येक चेष्टा क्या है, प्रतिष्ठा आशा के लिए ही। जीव के हृदय में न जाने किस कोने में ये प्रतिष्ठा की आशा जो सूक्ष्म रूप में विराजमान है, जब तक ये पूर्ण रूप से जाएगी नहीं। कहते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपनी मन शिक्षा में कहते हैं, प्रतिष्ठा आशा दृष्टा स्वपच रमणी में हृदय नटे। ये जो प्रतिष्ठा रूपी चंडाली है, एक वेश्या है, ये हृदय में इस प्रकार नृत्य कर रही है और जब तक ये हृदय में विराजमान है तब तक कहां पर वो कृष्ण प्रेम रूपी धन हमारे हृदय में आएगा, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए लाभ पूजा प्रतिष्ठा के पीछे मैं इतना भाग रहा हूं कि इन सब कृष्ण भजन से पूरी तरह दूर हो चुका हूं। इसलिए क्या करो, तव कृपा कर्ण अमर संबल, तव कृपा बिना नाही अन्य बल, कृपा करी प्रभु देय चित बल, दास तोमा प्रणमय। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ही दयामय हैं, आप ही, आपकी एक कृपा कण भी यदि मुझे प्राप्त हो जाए, आपकी एक कृपा की बूंद भी यदि मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तब कृपा कण हमार संबल, यही मेरा एकमात्र बल है, आप प्रदान करेंगे तभी तो हमें चित बल मिलेगा। भक्ति करने के लिए, विशेष करके साधन करने के लिए चित बल की आवश्यकता होती है। किसी को जो आर्म रेसलिंग करते हैं उनको शारीरिक पर बल यदि होगा तो वो वेट उठा सकते हैं और दूसरे सारे कार्य कर सकते हैं,
लेकिन विशेष करके भक्ति करने के लिए, साधन भजन करने के लिए ये चित्त बल की आवश्यकता है। और चित्त बल के स्रोत हैं श्री गुरुदेव, श्री बलदेव प्रभु, अखंड गुरु तत्व। तो उन्हीं से ही प्रार्थना करते हुए महाराज कह रहे हैं कि तब कृपा कण अमर संबल, तब कृपा बिना ना ही अन्य बल, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है जो मुझे सहायता कर सकती है। तो हम भी गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमको किसी प्रकार चित्त बल प्राप्त हो जिससे साधन भजन कभी कर सके, और जो कृष्ण नाम लेने का सचमुच में फल है, जो इनकी सेवा कार्य है, वो सब हम कर पाए। पांचा कल गुरु कृपा से हरे कृष्ण। कल मकर संक्रांति था ना, कल तो हम उस तरफ में एक तरह का चावल बनता है, वो चावल बनता है। आज प्रभु जी ने हमारी जब जय कथा सुनाए, उन्होंने भी कुछ थोड़ा बहुत बनाया, आपको थोड़े थोड़े देंगे, आप प्रसाद पा कर बोलना कैसे लगता है। और ये जगन्नाथ जी को मत, जगन्नाथ जी को लगता है आज बंगाल में सर्वत्र हमारे गौड़िया मठ में ये बना करके ठाकुर जी को भोग लगाए, आप प्रसाद पा कर बोलना कैसे हुआ। ठीक है, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम।